नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश में 17 दिन पहले हादसे का शिकार हुए वायुसेना के AN-32 विमान के दुर्घटना स्थल से सभी 13 वायु सैनिकों के पार्थिव अवशेष मिले हैं। गुवाहाटी स्थित रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल पी खोंगसाई ने एक बयान जारी कर बताया कि दुर्घटना स्थल से 6 शव और 7 लोगों के अवशेष बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि असम के जोरहाट से उड़ान भरने के बाद लापता हुए वायुसेना के AN-32 विमान का मलबा 8 दिन बाद 11 जून को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी सियांग जिले के लिपो गांव से 16 किलोमीटर दूर मिला था। इसके 2 दिन बाद वायुसेना ने घोषणा कर दी थी कि इस हादसे में कोई भी जीवित नहीं बचा है। जोरहाट से 3 जून को दोपहर 12:25 पर उड़ान भरने वाला AN-32 विमान अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी सियांग जिले में स्थित मेचुका एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जा रहा था। रास्ते में अपराह्न 1 बजे के करीब संबंध एजेंसियों से विमान का संपर्क टूट गया। विमान में चालक दल के 8 सदस्य और 5 अन्य वायु सैनिक सवार थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सांसदों को सुझाव दिया कि जन प्रतिनिधियों के रूप में उन्हें अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए, तभी देशवासी कर्तव्यों के पालन के लिए प्रेरित हो पाएंगे। राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिए अपने अभिभाषण में विश्वास जताया कि सांसद अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए नए भारत के निर्माण में अपनी प्रभावी भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि उद्योग और कॉरपोरेट क्षेत्र के सहयोग से महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने 3 तलाक और निकाह हलाला जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन को भी जरूरी बताया। गुजरात के जामनगर की एक अदालत ने बर्खास्त IPS अधिकारी संजीव भट्ट 55 वर्षीय को लगभग 3 दशक पुराने हिरासत में मौत कस्टोडियल डेथ से जुड़े एक मामले में वीरवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार भट्ट ने जामनगर के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के तौर पर जाम जोधपुर शहर में 30 अक्टूबर 1990 को भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा और भारत बंद के दौरान दंगे की कथित आशंका के चलते 133 से अधिक लोगों को हिरासत में लेने के आदेश दिए थे। हिरासत से मुक्त किए जाने के बाद इनमें से एक प्रभुदास वैष्णानी की उसी साल 18 नवंबर को अस्पताल में मौत हो गई थी। उनकी हिरासत के दौरान पिटाई की गई थी। मृतक के भाई अमृत वैष्णानी ने इस मामले में भट्ट समेत 7 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाते हुए मामला दर्ज कराया था। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेत और घरेलू स्तर पर सरकार के कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में आने वाले वर्षों में भारी निवेश करने की घोषणा से उत्साहित निवेशकों की लिवाली के बल पर शेयर बाजार में तूफानी तेजी रही। इस दौरान BSE का सेंसेक्स 489 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का निफ्टी 140 अंक उछलकर बंद हुआ। BSE का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 488.89 अंक उछलकर 29,601.63 अंक पर और NSE का निफ्टी 140.30 अंक चढ़कर 11,831.75 अंक पर पहुंच गया। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए सुनते रहिए रेडियो सेंट्रल न्यूज। धन्यवाद।